प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 5 हिंदी चैप्टर आप लोग का 6 है उपकार का बदला। इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग का अध्याय शुरू होता है और यहाँ पर कहता है क्वेश्चन, सोमन तार के पंखे बेचता था। ये सही हो जाएगा, मतलब आप लोग को इसमें टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद बातचीत के लिए एक एक प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं एक एक प्रश्न को लेकर आए हैं। सुमन तार के पंखे बेचता था, सही हो जाएगा। सुमन बंदर के बच्चे को गुलगुला दिया, तो ये गलत हो जाएगा। बंदर सोमन के दो पंखे लेकर चला गया, ये सही है। बंदर सोमन के लिए पपीता लाया था, ये भी बात सही है। बंदर पैसे के लिए पपीता लाया था, नहीं ये गलत बात है, ठीक है। आगे देखिए, सोमन 6 रुपये जोड़े में पंखे बेचता था, ये गलत बात, ये गलत है कथन। आप लोग को ये बताना है कि सोमन कितने रुपये में पंखे बेचता था, ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का। सुमन गुजारे के लिए क्या करता था, तो सुमन गुजारे के लिए कचहरी बाजार मोहल्लों में घूम घूम कर पंखे बेचता था। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आप लोग का, सुमन को बंदर पर दया क्यों आ गई, तो सुमन को खाते देख बंदर उसकी तरफ टुकुर टुकुर देख रहा था। बंदर भूखा था इसलिए उस पर क्या हो गई, दया आ गई, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग का, बंदर किसके बदले में पपीता लाया था, तो बंदर दो पंखे के बदले में या उपकार के बदले में क्या लाया था, पपीता लाया था। जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि उपकार का बदला। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भद्र पुरुष ने सुमन को दो पंखों के बदले में कितने पैसे दिए, तो दो पंखों के बदले में कितने दिए, 5 रुपये दिए। आगे देखिए, बातचीत के लिए में क्वेश्चन नंबर 1 है, सुमन अपने पंखे को बेचने के लिए कैसी आवाज़ लगाता था, और आप पंखों को बेचने के लिए कैसी आवाज़ लगाएंगे, ये आप अपनी शब्द में लिखेंगे, ठीक है। उत्तर लिखेंगे, सुमन अपने पंखे बेचने के लिए पंखा ले लो पंखा की हाँक लगाता था, मैं भी उसी की तरह हाँक लगाऊंगा, इसे भी लिख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग को, आप लोग का, सामान बेचने वाले अपने सामान बेचने के लिए आवाज़ क्यों लगाते हैं, तो देखिए, सामान बेचने वाले अपने सामान बेचने के लिए लोगों को अपने सामान की ओर ध्यान आकृष्ट, ठीक है, अट्रैक्टिव करने के लिए हाँक लगाते हैं, ताकि वे उन सामानों को खरीदें, लोगों को पता चल सके हाँ ये पंखा बेचने वाला है तो चलिए हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसलिए आवाज़ लगाते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का, अगर आपको ये सामान बेचने पड़े तो आप कैसी आवाज़ लगाएंगे, मखाना आम चप्पल अगर आप लोग को बेचना पड़े तो आप लोग कैसी आवाज़ लगाएंगे, तो देखिए हम एक बता दे रहे हैं, यदि हम इन सामानों को बेचना पड़े तो मैं भी कहूँगा मखाना ले लो मखाना, आम ले लो आम, चप्पल ले लो चप्पल, इस प्रकार। आइए देखिए, इस प्रकार आप लोग सारा का लिख लेंगे। देखिए, कहता है बंदर ने सुमन की क्या सहायता की और कैसे, इसके उत्तर में लिखेंगे, बंदर ने सुमन की उदास देख कर नज़दीक के डोरे से पपीता तोड़कर लाया और सुमन ने उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। सुमन बंदर को नित्य कुछ ना कुछ खाने अवश्य देता था, ठीक है, उसी उपकार का बदला बंदर ने पपीता लाकर चुका दिया, उपकार का बदला। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोग का, क्या सुमन ने बंदर को अपने साथ रखा था, उत्तर क्या लिखिएगा, सुमन बंदर को साथ नहीं रखता था, बल्कि दोपहर में जहां वह विश्राम करता था वहीं पास की एक बगीचा में रहने वाले बंदरों में से एक सुमन के पास क्या होता, आ जाता था। आइए देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, आज तार के पंखे का दाम क्या है, तो आज के तार के पंखे का जो दाम है वह है 15 रुपया में जोड़ा, 15 रुपया में कितना, 2 गो पंखा। आइए देखिए, क्या होता है, ठीक है, क्या होता है क्वेश्चन है आप लोग का, अगर सुमन ने बंदर को खाने का सामान ना दिया होता, तो अगर सुमन ने बंदर को खाने का सामान ना दिया होता तो बंदर उसके लिए अध पका पपीता तोड़कर नहीं लाता। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, अगर भद्र पुरुष बंदर को पपीता ना लेने देता, तो यदि भद्र पुरुष बंदर को पपीता ना लेने देता तो सुमन तथा बंदर दोनों भूखे रहने
पढ़ते दोनों को, ठीक है। खोजबीन है अब आप लोग का प्रश्न वन, कहानी में उस अंश को खोजिए जिससे पता चलता है कि सोमन और बंदर एक दूसरे की मन की बात समझते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं, सोमन लेटे हुए बंदर की ओर देखकर बोला, हे हनुमान जी, आज तो एक भी पंखा नहीं बिका, इसलिए खाने के लिए कुछ नहीं लाया, तुम्हें क्या दूँ, आज तुम भी संतोष करो। बंदर खोखियाते हुए आया और पपीते सोमन की ओर लुटका दिया। सोमन को पपीता उठाते देखकर बंदर आश्वस्त हो गया, ठीक है। जब पपीता लाया तो सोमन भी क्या किया, तुरंत उठकर पपीता ले लिया, यानी कि दोनों दोनों का मन की बात जानता है, इस कथन से पता चल गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सुमन बहुत दयालु है, यह किस कथन से पता चलता है। तो बहु बंदर भूखा था, वह सुमन की तरफ टुकुर टुकुर देख रहा था और सुमन को उस पर दया आई, उसने दो गुलगुल्ले की तरफ फेंके, तो बंदर ने लपक कर उठाया और खा लिया, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, गर्मी के मौसम की बात है, गर्मी के दिनों में कचहरी बाजार और मोहल्लों में घूम घूम कर पंखे बेचता था, एक दोपहर के समय पेड़ के नीचे विश्राम करता था, ठीक है। गर्मी के मौसम की बात है किससे पता चलता था, तो इसी सेंटेंस से। आइए देखिए, भद्र पुरुष भला आदमी था, ये किससे पता चला, तो देखिए, जब बंदर जैसी जंगली जंतु में इतना विवेक है, तब मैं तो मनुष्य हूँ, तुम्हारा पंखा मैं कैसे लूँगा, तुम पंखों को छोड़ दो, इसका दाम बताओ सरकार, या बिकता तो 4 रुपये जोड़ा है, यदि आप जो देंगे वह मेरे लिए बहुत होगा, ठीक है, बहुत होगा। बद्र पुरुष ने जेब से 5 रुपये का सिक्का निकाल कर सुमन को दे दिया, ठीक है। आइए देखिए आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर है, आगे समझ की बात, इसमें प्रश्न वन कह रहा है, दोपहर को सुमन के पंखे क्यों नहीं बिकते थे, तो दोपहर को सुमन के पंखे इसलिए नहीं बिकते थे क्योंकि लोग गर्मी के कारण आराम करने लग जाते थे, ठीक है, इसलिए नहीं बिकता था। अब समाज में क्या होता था, उठा हुआ रहता है, बाहर में बैठा रहते हैं घर के बाहर में, ठीक है, जैसे हम लोग द्वार कहते हैं, वहाँ पर लोग और बैठे रहते हैं, तो जाता है जो भी दुकान वाला, पंखा बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, जो भी कहते हैं भाई थोड़ा दे दीजिए, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का, मुरही फुटहा कचरी गुलगुल्ला कैसे बनते हैं, उत्तर लिख लीजिएगा। मुरही चावल को गर्म गर्म बालू में भुन कर बनाया जाता है, फुटहा कैसे, तो चना तथा मटर को बालू में भुन कर बनाया जाता है, कचरी कैसे, प्याज एवं मिर्च काट कर बेसन के साथ मिलाकर तेल में तला जाता है, गुलगुला आटे एवं गुड़ को मिलाकर तेल में तलकर बनाया जाता है, क्या गुलगुला। आगे देखिए प्रश्न 3 है, बंदर सुमन पर क्यों गुर्राया था, तो देखिए बंदर सुमन पर इसलिए गुर्राया था ताकि वह पपीता उठाए और छिलकर खाए एवं खिलाए, ठीक है। आपकी भाषा में, आपकी भाषा में है, आप अपनी मातृभाषा में नीचे दिए गए शब्दों और वाक्य को कैसे कहेंगे, ठीक है, जो ये शब्द और कथन दिया है इसको कैसे कहेंगे, गुलगुला गठरी पपीता कारनामा 6 रुपये जोड़ा, ठीक है, इस सब को कैसे कहेंगे, ये तो आपको मातृभाषा मतलब जो आपके गांव में बोले जाते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में लिख दिए, यहाँ पर छात्र अपनी भाषा में लिखेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, कोई कोई ठेठी भाषा में कहता है, कोई हिंदी में भी कहता है, ठीक है, पंखा ले लो पंखा, ठीक है, ऐसे भी कोई कहता है, ठीक है। तो आप लोग अपने भाषा में लिखेंगे, मातृभाषा मतलब जो आपके समाज में बोले जाते हैं उस भाषा में लिखना है, ठीक है। देखिए कहता है भाषा की बात, भाषा की बात, प्रश्न मन है आप लोग का, वह सुमन की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा, इस वाक्य में टुकुर टुकुर देखने का क्या मतलब है, तो देखने में इन तरीकों में क्या अंतर है, इनका मतलब समझाने के लिए निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और उसका क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है, वाक्य में प्रयोग करिए। अल्पक देखना, टेढ़ी नज़र देखना, टकटकी लगाना, घूरना, निहारना, आंखें पार कर देखना, ये सब को वाक्य बनाइएगा। तो देखिए टुकुर टुकुर देखना का मतलब क्या होता है, एक टक देखते रहना, घूरना, यात्री घूम घूम कर, ठीक है, मोहन को देख रहा था, अपलख देखना, मीरा कृष्ण की मूर्ति को अपलख देखती रही थी, टेढ़ी नज़र से देखना, टिप सिपाही बदमाश को तेजी नज़र से देखने लगा, निहारना, माँ अपने सलोने शिशु को बार बार निहारती रहती थी, टकटकी लगाना, माँ अपने पुत्र को वापस आने की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए बैठी थी, आंखें फाड़ कर देखना, विदेश से आए भाई को बहन आंखें फाड़ कर देखने लगी। आगे कहता है, नीचे दिए गए वाक्य को रेखांकित शब्दों के बदले ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखिए और उनका मतलब ना बदले, ठीक है, ऐसे लिखना है कि उसका मतलब भी ना बदले। देखिए कहता है,
विश्राम रेखांकित था, तथा वह दोपहर को विश्राम करता था। तो क्या लिखेंगे, वह दोपहर को आराम करता था, लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। उसके बाद कहता हुआ तार के पंखे को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, तो वह तार के पंखे को बेचकर अपने परिवार का क्या करता था, पालन पोषण, लिख सकते हैं भरण पोषण की जगह पर। आज तुम भी संतोष करो, संतोष का क्या हो जाएगा, मन मार कर रह जाओ, सुमन सकुचाते हुए बोला। सकुचाते हुए यहाँ पर अंडरलाइन था, तो सकुचाते हुए का मतलब लजाते हुए, ठीक है, संकोचवश लजाते हुए वह बोला, ठीक है। आगे कहता है प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। इस पर सुमन की आंखें खुल गई, सारी बात जानकर सुमन की आंखें खुल गई, दोनों वाक्य में आंखें खुल गई, अर्थ में अंतर है। पहले वाक्य में आंखें खुल गई इसका क्या मतलब है, ठीक है, आंखें खुल गई मतलब जागने से, ठीक है, वो जाग गया, जबकि दूसरे वाक्य में आंखें खुल गई मतलब सच्चाई का पता लगने से है। दूसरे वाक्यों में आंखें खुल गई एक मुहावरा है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आगे है आप लोग का, नीचे दिए गए मुहावरों का प्रयोग वाक्य प्रयोग करते हुए उनके मतलब बताना, ठीक है। आंख लगना, आंखों पर पर्दा पड़ना, इस सब को बनाना है। तो देखिए आंखें लगना का बनाइएगा, पेड़ की शीतल छाया में बैठते मोहन की आंखें लग गई, जब पेड़ की छाया में बैठेंगे हवा लगेगा तो हम लोग की आंखें क्या हो जाएगी, लग जाएगी। आंखों पर पर्दा पड़ना, सोहन की आंखों पर पर्दा पड़ गया, इसलिए पुत्र की शरारत पर विश्वास नहीं करता था। उसको अपना पुत्र पर इतना भरोसा था कि उस वो अपने पुत्र की बदमाशी भी करता था, तो उसको नहीं लगता था कि बदमाशी करता है। आंखें फैलना, घर आए पुराने मित्र को आंखें फैलाकर देखने लगे, ठीक है। आगे देखिए हम लोग आगे हैं, आंखें चुराना, पिता को आती देखकर राम ने आंखें चुरा ली, ठीक है। आगे है आंखें दिखाना, मैं आपका नौकर नहीं हूँ कि आंखें दिखाते हैं, नौकर को लोग क्या करते हैं, आंखें दिखाना मतलब डराना धमकाना, ठीक है। आंखों का किरकिरी होना, रघु अपनी शैतानी के कारण आंखें की किरकिरी हो गया, ठीक है। आगे देखिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों को, ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों को रेखांकित अक्षरों में लिखे, ये सर्वनाम जो है किसके लिए आया है, वाक्य किसके लिए आया, लेकिन वह क्या करता, सुमन के लिए आया कि सुमन क्या करता। उसने पपीते को छुआ नहीं, सुमन जो था वो पपीता को छुआ भी नहीं, तब तो मैं मनुष्य हूँ, ठीक है, भद्र पुरुष के लिए, ठीक है, ये तुम्हारे हैं, सुमन के लिए। सुमन को पूछता है क्या यह तुम्हारा है, ठीक है। आपकी कल्पना है उपकार का बदला शीर्षक कहानी में किसी एक घटना का संवाद के रूप में लिखे, ठीक है। आप लोग को संवाद लिखना है, अगर नहीं आएगा तो हम आपको बता देंगे, इसे आप लोग को संवाद खुद से लिखना चाहिए, ठीक है। आगे दूसरा है प्रश्न, अपने दोस्तों को सुमन और बंदर के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखना है, ठीक है, सुमन और बंदर के बारे में बताते हुए, तो क्या लिखेंगे, दरभंगा 4-4 बार एक पत्र हम लिखकर आपको लोगों को दे दिए, प्रिय मित्र नयन नमस्ते, ऐसे लिखिएगा। पत्र लिखने का तरीका जानिए, प्रिय मित्र नयन नमस्कार पहले कीजिएगा, उसके बाद ठीक है, मैं कुशल हूँ, तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ, इस पत्र में तुम्हें मनुष्य एवं जानवर की मित्रता के विषय में लिख रहा हूँ, क्योंकि सुमन एक मनुष्य है और बंदर जानवर है। सुमन नाम का आदमी पंखे बेचकर जीविका चलाता था, गर्मी के दिनों में दोपहर के समय एक पेड़ के नीचे विश्राम करता था, खाता पीता भी था। उसके पेड़ के पास एक बगीचा था जिसमें बंदरों का समूह था, उसी समूह में एक बंदर उस पेड़ के पास आता था जहां सुमन आराम करता था। सुमन बंदर को नित्य अपने, यहाँ पर बंदर होगा, ठीक है, बंदर को नित्य अपने खाना में कुछ ना कुछ अवश्य देता था। एक दिन पंखा नहीं बिका इसलिए वह पानी पीकर सो गया। बंदर उसे उदार देकर क्या करता है, भद्र पुरुष के पास घर चला गया और उसके दरवाजे पर पंखे फेंक कर उसी के पपीते एक पेड़ से अधपका पपीता तोड़कर ले आया, ठीक है, सुमन की ओर लुटका दिया। जब तक उसने पपीता नहीं उठाया उस पर खोखी आता रहा, पपीता उठाते ही बंदर शांत हो गया। इसके बाद सुमन ने पपीता छीलकर स्वयं खाया तथा बंदर को भी खिलाया। देखो मित्र, जब जानवर उपकार के प्रति कृतज्ञ होता है तो हमें भी तो होना चाहिए, क्योंकि हम विवेकशील प्राणी हैं। शेष फिर तुम्हारा अभिनन्दन, नाम आप लोग का अपना लिख देना है अंशु, ठीक है। इस प्रकार आप लोग को पत्र लिखना है। तो साथियों इसी प्रकार हमने ये आप लोग का आपकी कल्पना था, यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिए हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।